इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड डायलिंग नंबर के बारे में। ये वाली सेटिंग्स हमें मिलती कहाँ है और इसको इनेबल कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सेटिंग्स हमें मिलती कहाँ पर है और इसको कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आप पर मिलता आपको सिस्टम ऐप्स, तो सिस्टम ऐप्स को खोल लेना है आपको। सिस्टम ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर कॉल सेटिंग्स में जाना है, तो कॉल सेटिंग्स में हम चलते हैं, पाँचवें नंबर पर आपको मिल जाएगी। खोलने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स आपको मिलती है, तो एडवांस सेटिंग्स में आपको जाना है। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर मिलती है फिक्स्ड डायलिंग नंबर, तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद सिम को सिलेक्ट कर लेना है एक को और यहाँ पर आपको ये वाली सेटिंग्स दोबारा से मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे तो ये आपसे मांगेगा पासवर्ड इनकरप्टेड पिन टू नाउ ब्लॉक इट टू ट्राई अगेन चेंज पिन टू। तो यहाँ पर ये जो है चेंज पिन का यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोड डालना होगा, फिर जो है आपको यहाँ पर दोबारा इसको डालना होगा, फिर कन्फर्म कर देना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो चेंज होता है उसके रहता है। बाकी यहाँ पर एक फिक्स्ड डायलिंग नंबर आता है, उसको यहाँ पर आप फिक्स्ड डायलिंग नंबर पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फिक्स्ड डायलिंग नंबर पहले भी वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता ये क्या है। बाकी इसमें मैंने आपको बताया इनेबल डिसेबल आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे रेडमी के फ़ोन्स में हुआ है, तो रेडमी का अगर कोई सा भी फ़ोन हो तो आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।